मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब प्रत्याशियों ने ईटीवी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बुलाई बैठक में शामिल होने पहुंची इंदौर विधानसभा एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने चुनाव हारने पर ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं। देखिए इस चुनाव के अंदर मेरी विधानसभा की मैं बात करना चाहूंगा कि मैं बूस्टर बैलेट में जीत रहा हूं, परंतु जिस बूथ में मेरे वहाँ चार बूथ ऐसे बूथ हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के पूरे पूरे बूथ रहते हैं, भैंसघाट लाइन हो या एमओजी लाइन हो या पुलिस लाइन हो, उस बूथ के अंदर मुझे 30% वोट मिल रहे हैं। इसका क्या मायना हो सकता है? क्योंकि उसके परिवार का, उनके पूरे उनका जो मुखिया है वो मुझे वोट दे रहा है, परंतु उनके परिवार का वोट नहीं देगा, उनके बच्चा नहीं देगा, वो मोहल्ला का मुझे वोट नहीं देगा। ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है इस चुनाव में। प्रदेश स्तर में इस तरीके की गड़बड़ी मानी जा रही है क्या? बिल्कुल मानी जा रही है। आप देखिए पूरे प्रदेश का ट्रेंड चला है, 70-30 का रेशो चला है हमेशा हर जगह, विधानसभा इंदौर हो या पूरे मध्य प्रदेश में हो, और उसी रेशो में सरकार भी बनी है, मैं उनकी सीट भी आई है कि 70% उनके लोग आए, 30% कांग्रेस के लोग आए। मेरा भी एक है ना कि ईवीएम में कुछ ना कुछ हुआ है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट एक तरफा कांग्रेस को साथ दिया, आपने ये भी देखा होगा 199 जगह पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत रही है और ऐसे मशीन से कुल 66 जगह जीत रही है, इसका मतलब मशीन में कहीं ना कहीं कुछ हुआ है।